हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गौरव दयाल बीट फैक्ट्री से, और मुझे लग रहा है कि हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन ट्यूटोरियल सब कुछ हैं, और आप वो ऑफ कोर्स बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। वी गेट सच ग्रेट फीडबैक, हमारा चैनल काफ़ी ग्रो भी कर गया है। सो आई वॉन्ट टू ऑल्सो डू समथिंग डिफरेंट, एंड मुझे लगता था कि प्रोडक्शन और मिक्सिंग की एंगल्स तो हमने काफ़ी देख लिए हैं, एंड वी विल कीप डूइंग दैट। लेकिन एक और डायमेंशन है म्यूजिक का, जो मुझे लगता है मिस नहीं करना चाहिए, जिससे आपको और डेप्थ मिल जाएगी अपने गाने में। इवन इफ यू मेकिंग एन ईडीएम ट्रैक, इवन इफ यू मेकिंग अ ट्रैप बीट, एनीथिंग, बट म्यूजिक थ्योरी की थोड़ी डेप्थ होगी तो अच्छा होगा। अगेन, जो ट्यूटोरियल मैं आज कराने जा रहा हूँ म्यूजिक थ्योरी का, वो बहुत सिंपल है। इट्स एक्चुअली नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स गोइंग टू साउंड वेरी रिच एंड कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी। आपको दिखाऊंगा कि बेसिक मेजर कॉर्ड्स और एक बेसिक माइनर कॉर्ड लेके, अगर हम सिंपल सा प्रोग्रेशन कॉर्ड्स विच यू प्ले एवरी डे, सो थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज करते हैं, तो सडनली दे बिकम वेरी वेरी रिच एंड वेरी डीप। सो इमोशन एंड डीप थिंग इज समथिंग दैट ह्यूमन बींग्स ऑलवेज अप्रिशिएट। मुझे लगता है कि कानों को जब भी कोई एक अच्छा यू नो रिच हार्मोनिकली ब्यूटीफुल चीज सुनाई देती है, तो वी ऑलवेज अट्रैक्टेड टू इट, वी ऑलवेज ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स इट। सो आई एम गोइंग टू शो यू बाय एग्जांपल सर्टेन थिंग्स। नाउ कुछ बेसिक कॉर्ड्स हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले फॉर यू, एंड आई जस्ट ओपन द कीबोर्ड सो यू गाइस कैन ईजिली सी द कीज, एंड देन सी के मैं एक्चुअली बजा के आ रहा हूँ, ताकि यू नो इट्स ऑलरेडी देयर। सो यू नो लाइक आई प्ले अ कॉर्ड, यू कैन सी दिस। मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कौन से कॉर्ड्स हैं, आई ऑलवेज टॉक अबाउट इट, बट यू विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट अ सिंपल प्रोग्रेशन इन टू अ डिफिकल्ट वन, नॉट डिफिकल्ट बट कॉम्प्लेक्स वन, मोर ब्यूटिफुल, लेट्स यूज दैट वर्ड। सो बेसिक कॉर्ड सबको पता होता है, दैट्स अ सी, ओके, डी माइनर, राइट, जी, एफ, बोरिंग मेजर कॉर्ड्स, ओके, बट इफ यू डू दिस, वॉच, यू गेट द आइडिया। सो इफ यू इंजॉय दैट, इफ यू लाइक दैट, द ओनली थिंग जो मैं चेंज कर रहा था वॉज द लेफ्ट हैंड, यानी कि जो रूट नोट होता है, तो स्लैश बेस इसको बोलते हैं। सो इफ यू चेंज अ कॉर्ड जैसे सी है, एंड उसको आप सी रूट के साथ बजाएंगे, दैट विल साउंड वेरी प्लेन एंड सिंपल, राइट। सी कैन ऑल्सो बी प्लेड नॉर्मली फ्रॉम द रूट पोजिशन, उसकी इन्वर्जन है ये। सो वेन यू प्ले दिस, इट्स अ सर्टन फीलिंग, बट इफ यू प्ले लाइक दिस, इट्स अनदर फीलिंग। तो यहां मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन अ डी रूट, यानी कि डी बेस with a C chord, right? And उसकी next position में I'm going basically into a D minor, यानी कि दूसरी inversion, but not with a D bass, not like this, but with a B flat. So let's see the change from C to D minor. So it's made it more beautiful rather than from simple, right? So again, the very simple change. सेम कॉर्ड जो आप जानते हैं, नथिंग डिफरेंट। देन वील स्लेप स्टेप इन टू अ जी कॉर्ड, लेकिन उसमें हम बेस ए रखेंगे, यानी कि एंड देन गो डाउन टू एन एफ मेजर। अब इन दोनों के बीच में यू कैन ऑल्सो डू अ पासिंग कॉर्ड। सो बेसिकली जी और एफ के बीच में कौन सा नोट पड़ता है, इट्स एन एफ शार्प, राइट। सो जो एफ शार्प है, यू कैन पास थ्रू दैट, सो दैट गिव्स मोर कलर और गिव्स मोर रिचनेस, मुझे लगता है। सो व्हेन यू डू अ पासिंग कॉर्ड अगेन विद द स्लैश नोट, देन वी गोइंग टू एन ए मेजर कॉर्ड, दिस वन, बट विद अ बी रूट नोट, एंड देन अ बी फ्लैट मेजर विद अ सी रूट, एंड देन विद अ सी विद अ डी, सेम ओरिजिनल कॉर्ड। सो बेसिकली द चेंज कम्स फ्रॉम हियर। सो बेसिकली ये जो पासिंग कॉर्ड्स हैं, या ये जो स्मॉल थिंग्स हैं विच स्टेप अप थिंग्स, उससे एक छोटी सी सिंपल प्रोग्रेशन विच कुड हैव जस्ट बीन सी डी माइनर जी एफ हैज बिकम सो रिच। सो आई होप यू एंजॉयड, आई प्लेड अगेन फॉर यू, एंड होप यू कैन ट्राई दिस आउट, ट्राई दिस। Thank you.
अगेन दैट्स इट. आई होप यू एंजॉयड इट. एंड आपने देखा कि एक सिंपल से प्रोग्रेशन को भी आप कैसे जैजी कर सकते हैं. सो स्लैश कॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट इट एंड सी. एंड आई होप यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल एंड यू कैन वॉच इट अगेन अगर आपको कुछ भी सेक्शन या कुछ समझ में नहीं आया. अगेन थिंक अबाउट पासिंग कॉर्ड्स, थिंक अबाउट स्टेपिंग अप बैक टू द रूट नोट. दीज आर स्मॉल लिटल थिंग्स जिससे आपको एक और रिचनेस मिल जाएगी अपनी ट्रैक में. ओके, आई सी यू इन अनदर वीडियो. आई होप दैट वॉज यूजफुल. सी यू.